वो कह रहे हैं इसको ना मिक्स भी करना है क्योंकि ऊपर ये ब्लैक वाला वो डला हुआ है जो भी होता है, ये काला नमक होता है, चिट्टा नमक होता है, जो भी होता है। पर कह रहे हैं कि अब जो है ना इसको 10 मिनट से पहले पहले लेके जाओ। 10 मिनट से पहले लेके ही नहीं जा सकता हूँ भाई, बिकॉज आगे वो है, अभी जानना है कश्मीर निम्को पे, वहाँ से 10 मिनट तो उन्होंने दही भले बनाने पे लगना है, ठीक है। उसके बाद भाई आगे भी देख लियो, कह रहे उसके बाद जब वहाँ पे 10 मिनट लगेंगे दही भले, फिर आगे 10 मिनट जाने के, मतलब ये अभी 25 मिनट बाद ये पहुँचेगा, और ये भाई बोल रहे हैं ख़राब हो जाएगा। तो मैम अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, नहीं भी देख रही, मैं आपको क्लिप सेंड कर दूंगा कि अब इस भाई ने बोल लिया कि 10 मिनट से पहले पहले ले जाना वरना ख़राब हो जाता है, और मैंने अब जाना है दही भले लेने, तो वो ले के फिर आपकी साइड आऊँगा। तो ये तो गया टाइम, समझ रही हैं आप। और जो उनको मैंने बोला है यार दही भले पैक करके रखो, कहता है आप उठाने आओगे, मैंने कहा हाँ भाई उठाने आऊँगा, कहता है आप आओगे तो बनाऊँगा। यार अगर आके ही करनी होती मैं कॉल क्यों करता भाई, ब्रो सिंपली यूज़ योर कॉमन सेंस। हाँ खैर क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसा ही चलता है भाई। हालांकि नवामी वालों को अगर मैं कॉल करता ना कि भाई 20 समोसे पैक करें, मैं आता हूँ, मैं जाऊँगा पैक पड़े होंगे। हालांकि ये भी बोलते हैं कि समोसे तो बन रहे होते हैं उसी टाइम आके, लेकिन उनको इनको आइडिया है कि यार एक एक सेकंड कितना। अब सोचो कि मैं वहाँ जाऊँ शॉप पे, वहाँ से एक चीज़ उठाऊँ और निकला जाऊँ, 2 मिनट, मतलब बिल भी दूंगा ना 2 मिनट, मैं जाऊँगा फिर एक को समझाऊँगा भाई ये चीज़ है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर वो पैक करेगा बनाएगा फिर मुझे देगा, 10 मिनट गए। यार ब्रो मुझे कसम से मैं इन चीज़ों से ना बड़ा खपत होती है मुझे कि यार ये क्यों नहीं समझ रहे, लाइक खैर छोड़ो, सुबह सुबह क्या ही अपना दिमाग ख़राब करना भाई। ओए यार नहीं ब्रो, यार फाटक बंद, बहुत लंबा चक्रा मार के जाना पड़ेगा यार। तैयबा मैम क्या करती हैं आप, तैयबा मैम अब देख लें, अब मैं वो कहाँ से गुजर के जाऊँगा, वो अब यहाँ पे खड़ा होता 30 मिनट और गए, इतना टाइम लगता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 15 मिनट फाटक बंद रहती है, 15 से 20 मिनट, फिर जब खुलती है तो इधर से जितना रश उस टाइम बना हुआ होता है ना वो क्लियर होते होते 15 मिनट और लगते हैं। ये फाटक ये भी बंद, और आगे जाने का रास्ता भी नहीं है। पहले बाइक वालों के लिए कुछ ना कुछ जगह होती है कि बाइक वाले जो है ना जा सकते हैं, लाइक वो चाचू जी, राना जी, राना चाचू जी। अब देखते हैं किस तरफ से गाड़ी आ रही है, कोई चांसेस हैं या नहीं है गाड़ी आने के, अभी नहीं है, उस साइड से आनी होगी, दूसरी बैक वाली साइड से। तो इधर से जो है ना मैं क्रॉस कर लेता हूँ आगे से, यहाँ से नहीं करूँगा भाई, मैं फंस गया, मुझे कोई निकालेगा भी नहीं, मैं आगे से थोड़ा सा करता हूँ, यहाँ पे सही रास्ता बना हुआ है क्रॉस करने का, ये यहाँ पे आ रही है गाड़ी आ रही है। लॉल फाटक भी खुल गई होगी और ज़्यादा रश, यार किसमें यार। अब जो वो पहले वाली फाटक थी ना जहाँ पे बंद थी और मैं वहाँ से आगे आया था, वो अब खुल चुकी होनी है, तो वो खुल गई है, तो भाई अब तो फिर और ज़्यादा रश होगा वहाँ पे। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने वाली करता हूँ, देख के भाई अपनी साइड पे चलाओ भाई। अभी मैम का मैसेज भी आ जाएगा, भाई लेट कह रहे हैं, भाई जल्दी आ जाएं, भाई के इधर लगे हुए हैं भाई। खुल गई है फाटक, इतना मैं ऊपर से होके आया हूँ के टाइम से पहुंच जाऊंगा, उस दिन मैं इधर आधा घंटा फंसा हूँ भाई, इसी टाइम
यहाँ पे ऐसे ही चलता है भाई, जहाँ से आपको टीटी 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 वाला रास्ता दे दें, यहाँ पे ऐसे ही चलता है, जहाँ से आपको रास्ता मिल रहा है आप चले जाओ। इट्स नॉट ए गुड आइडिया, बट हाँ यार देख लो, बस काम की वजह से मजबूरन करना पड़ता है। बट अब मैं उल्टी साइड पे चल रहा हूँ, मेरी वो वाली साइड है, मुझे मुड़ने का टाइम नहीं मिल रहा, तो जितना सीधा जा सकता हूँ मैं जा रहा हूँ। इन्हीं को कॉल की थी, चाचू जी बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। दो प्लेट दही भले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये रे चाचू नु समझावे भाई, मीठी चटनी का पावनी कोनी, स्पाइसी फुल स्पाइसी करना है। सो 40, ये भाई ऐसे बहुत गौर से कैमरे को देख रहे हैं। अब चलते हैं भाई अपनी लॉल। अब जो है ना, जितनी स्पीड से जा सकता हूँ भाई जाने वाली करता हूँ, बिकॉज यू नो लेट काफ़ी हो चुका है, और रिक्शे वाले चाचा बोला तेनू पूछे। अब तो बस जाने वाली ही करता हूँ भाई, स्पीडो स्पीड। दही भले दो प्लेट, दो मैंगो जूस, मैंगो कहता हूँ ऑरेंज जूस, कलर सेम है इसलिए भूल चूक हो सकती है भाई, उसका लिए माफ़ करना। और ये ऑर्डर आया था तकरीबन 10:30, और ये अब करते करते हो चुके हैं 10:58, मतलब 28-30 मिनट के राउंड अबाउट हो चुके हैं इसको, और जाते हुए अब मेरे 5 मिनट मैक्सिमम 7-8 मिनट जो है ना, इंशाल्लाह 11:05 पे जो है ना पहुंच जाऊंगा मैं। उनको मैसेज कर देता हूं कि पैसे गेट पे भिजवा दें, मैं आ रहा हूं, पैसे भिजवा दें। शिट बंद क्यों हो गया भाई, पैसे भिजवा दें, I'm coming bro. 8:40, अब देख लो इसमें मुझे क्या फ़ायदा होना है। अब तुम लोग स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हो, देन फाटक के जो वो ऊपर से घूम के आया हूँ वो वाला टाइम, और अब जहाँ पे जाऊँगा एंड देन वापस आऊँगा। देख लो बस, सपोर्ट करते नहीं हो तुम लोग, है कोई मिलियन में व्यूज़ एक दिन में ला दो ना यार, क्या करते हो तुम हैं पीपो। 11 हो चुके हैं पूरे, 5 मिनट में हाँ पहुंच जाएंगे। आज मैं फजर पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुबह का उठा हूँ तकरीबन 6:30 बजे का, एक ऑर्डर भी देना था मैम का, वो कल सामान ले आया था सुबह, यूनिवर्सिटी की गाड़ी में रखवाना था, तो यूनिवर्सिटी की गाड़ी यहाँ से जाती है तो उसी में रखवाना था। वो मैं तकरीबन आया सुबह 7:45 पे, 8:08 पे गाड़ी आई, और फिर जो है ना मैं वापस, और टायर पंचर था तो वो पंचर भी लगवाया था मैंने। देन घर के हूँ, नाश्ता किया है, वीडियो जो थी वो थोड़े बहुत कट डाल के एक्सपोर्ट की है, अभी घर जाऊँगा दिन में तो उसको अपलोडिंग में लगाऊँगा। आ जाएं। इट्स 11:01, एक मिनट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वो बंदा देखा कह रहा था भाई कॉल तुमने की थी, मैंने कहा हाँ मैंने की थी, वो हम कह रहे थे एक चीज़ रेडी पड़ी होती है, तो दो भाई 2 मिनट भी बचा लेता तो मैं ये जो 11:05 पे पहुँच रहा हूँ 11 बजे पहुँच जाता है ना, ऐसी काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं यार। ये सिर्फ जिसका काम होता है ना वही समझ सकता है इस चीज़ को, बाकी कोई नहीं समझेगा। वो बोलेंगे भाई 2 मिनट वेट कर लेते, इसमें क्या जाता, तो बस यही है।
अब हम बस सीधा इसी रोड पे जाएंगे एंड वी विल मतलब हम अपने उस पे पहुंच जाएंगे लोकेशन पे, एंड लोकेशन पे। ओए चाचू यार, एक दिन बड़ा सीन हुआ था। मैं एक मैम के लिए लिया था मैंगो जूस, ठीक है। अरे यार यार, मतलब उन मैम को मैंने बहुत वेट करवाया था, बहुत वेट, ठीक है। और ऐसे ही सीधे रास्ते में जा रहा था, एक ही खड्डा था बीच में, वो मैं जल्दी में देखा नहीं, उस पे लगा वो जूस गिर गया। देन दोबारा गया था, फिर दोबारा उनको जूस दे के आया था। यार बड़े सैड सीन्स हुए हैं। एक दिन मैं ना गोरमे से केक लेके गया डिलीवर करने के लिए, गोरमे का खुद का ऑर्डर था, मेरा नहीं था, उन्हीं का कस्टमर था। और एक मैम थी बहुत अच्छी, भाई मैं स्टिल बोलूँगा बहुत अच्छी। मैंने केक लिया, मैंने मुंह मांगे चार्जेस लिए, मतलब उस टाइम पे 200 काफ़ी ज़्यादा होता था, साल डेढ़ पहले की बात है। मैंने उनसे 200 मांगे। मैं जब ये मतलब वो सामने गेट है ना जेल का, वहाँ पे समझो देना है, मैं यहाँ पे हूँ, इतना दूर था उनके घर से। भाई वो केक गिर गया मेरे से, मैं अब उन मैम की कॉल ना उठाऊँ, उस बंदे की जिसको देना उसकी भी कॉल ना उठाऊँ, मैंने कॉल उठाना ही छोड़ दी। फिर मैंने गोरमे वाले लड़के को कॉल की, बिकॉज मैं गोरमे पे काम कर चुका था। मैंने बोला यार आंसर भाई, केक मेरा गिर चुका है, अब क्या करूँ। कहता है भाई अब और दे के आओ, अपनी जेब से दे के आओ, जो भी करना है आप खुद करो। खैर मैं उन मैम को बोला, मैम केक गिर गया, पिक्चर मैं आपको भेज रहा हूँ, मेरा कसूर नहीं है भाई, शॉपर फट गया है। तो कहती है कोई नहीं, मैं आपको पे कर दूँगी, आप दोबारा दे आओ। मैंने कहा नहीं मैम आप पे मत करें, मैं दे आता हूँ। खैर मैंने केक शेक लिया, तो उन मैम ने दोबारा पे कर दिया, मतलब डिलीवरी चार्जेस 200 ही, बिकॉज अब डिलीवरी चार्जेस तो मेरी गलती है भाई, वो तो मैं अपनी जेब से दे ही सकता हूँ। बट मैम ने दोबारा मुझे केक के पैसे भेजे, एंड देट वॉज रियली 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 ग्रेट उन मैम का। पहुंच चुके हैं भाई फौजी फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम, देते हैं अब इसको, अब किसकी कॉल आ रही है, लेट्स सी। पिज़्ज़ा मार्ट कॉल ही कट चुकी है। क्या खाने, 1000 खाने चा, असा तो चाचू गिला ना दे सकते, ये डठने ये कैमरे बस है यूट्यूब वास्ते। हाँ हाँ ठीक है चाचू। तो भाई ये ऑर्डर भी हमने डिलीवर कर दिया है, अब बस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तुम लोग जो है ना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।